सबसे पहले आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं देवघर शहर की डढ़वा नदी, जो कि ये सारमूल और हिरना घाट कहलाता है। और पिछले वर्ष से जो है यहाँ पे छठ पूजा मनाते हुए आ रहे हैं। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस प्रकार यहाँ पे पूरा सजावट किया गया है, साथ ही कितना जो है हम लोग के घाट में यहाँ पे भीड़ होता है और सब कुछ आपको दिखाएंगे। इधर आप देख रहे हैं चारों साइड में किस प्रकार डेकोरेशन किया गया है। और आज इस वीडियो में आपको पहला अर्घ और दूसरा अर्घ जो सवेरे में दिया जाएगा वो दोनों चीज़ दिखाएंगे। साथ ही आप देख सकते हैं अभी समय आपका 4 बज रहा है और इस समय में आप देख सकते हैं किस तरह लोग अभी पहुँचे हुए, काफ़ी कम आपको नज़र आ रहा है, लेकिन शाम होते होते जो है काफ़ी क्राउड आपको दिखेगा। और आप देख सकते हैं इधर आप देख सकते हैं जो है अर्घ देने का समय आज है 4:30 बजे से, और बहुत लोग पहुंच भी चुके हैं। आप देख सकते हैं ये सारमूल घाट और हिरना घाट कहलाता है। यहाँ पे कार्यालय में आप देख सकते हैं इधर आपको जो है चुकरी वगैरह, गोईठा वगैरह, दूध सब चीज जो है यहाँ पे कमेटी के द्वारा जो है ये सारा चीज व्यवस्था निःशुल्क दिया गया है। देख रहे हैं बहुत सारा जो है अभी छठ व्रती जो आ रहे हैं इधर दौरा लेकर के माथे पे, देख सकते हैं आप लोग अभी आ भी रहे हैं। और अर्घ देने का जो समय है 4:30 बजे से है। तो आज का ये जो वीडियो है पहला अर्घ का मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देख सकते हैं आज सवेरे का समय है और इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं। कल तो पिछले दिन बहुत कम ही रिकॉर्ड कर पाए थे क्योंकि हम लोग डढ़वा पुल के पास चल गए थे, इसी कारण जो है थोड़ा हम लोग दोनों जगह कवरेज में इसीलिए बिजी रह गए थे। तो आज सवेरे का समय है और 6:01 से जो है यहाँ पे अर्घ देने का समय है और शुरू हो चुका है अर्घ देने का समय। और यहाँ पे आप देख रहे हैं स्काई लैंप जो कि यहाँ पे जलाए जा रहे हैं और ये ऊपर की ओर आसमान की ओर जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाते हैं किस प्रकार ये ऊपर की ओर जाएगा, ये आप देख सकते हैं। आप लोग वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो जरूर पेज को फॉलो कीजिएगा। देख सकते हैं किस प्रकार आकाश की ओर जा रहे हैं। फिलहाल इस साइड में एक और इधर कार्यालय बनाया गया था, यहाँ पे जो है एक हिरना तरफ से और महावीर कॉलोनी से इधर जितने भी लोग आते हैं इधर भी एक कार्यालय बनाया गया था। और साथ ही एक हम लोग का जो है हिरना और उपसागर और गोसाइडी इधर से जितने भी छठ करने के लिए आएंगे उनके लिए जो है इधर एक बड़ा सा कार्यालय बनाया गया था। और आप देख सकते हैं कि और यहाँ पे देखिए जो है दूसरा अर्घ यानी कि जो सवेरे में प्रातःकालीन में दिया जा रहा है वो कमेटी के सदस्य हमारे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह जो है सभी लोग अपना जो है अर्घ देने में यहाँ पे लगे हुए हैं। फिलहाल दोस्तों आप सभी को जो है आगे और सारा अभी दिखाएंगे, फिलहाल आप देख सकते हैं हर जगह पे जो है अर्घ अभी दिया जा रहा है। समय हो चुका है और सवेरे का जो समय था 6:01 और यहाँ पे देखिए गांव के जितने भी हमारे लोग जो है दंड देते हुए आ रहे हैं, देख सकते हैं। और ये सारे जो है हम लोग के गांव तरफ से आ रहे हैं, देख सकते हैं। तो अभी लगभग सारे लोग पहुंच चुके हैं घाट पे और यहाँ पे आप क्राउड एक बार चेक कर लीजिए कितना ज़्यादा जो है आज सवेरे में जो है देखने को मिल रहा है। और अभी आप लोग थोड़ा सिनेमेटिक सीन देखिए। तो दोस्तों इस बार आप लोगों ने देखा कुछ इस प्रकार जो है हमारे सारमूल और हिरना घाट के बीच में जो है क्राउड छठ पूजा में देखने को मिला 2023 यानी कि पिछले वर्ष से जो है यहाँ पे शुरुआत किया गया था और इस बार काफ़ी कुछ क्राउड देखने को मिला। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं और आपसे मिलते किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय छठी मैया।